हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोठारी क्लासेस। एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नई वीडियो लेकर के, और आज हमारी वीडियो रिलेटेड है कि आप ट्वेल्थ के बाद क्या क्या कोर्स कर सकते हैं। ये वीडियो है आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपने आर्ट से ट्वेल्थ क्लास करी है तो उसके बाद टॉप 10 कोर्सेज जो कि आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं एंड में आपको बताऊंगा कि कौन सी वो गलतियां आपको नहीं करनी फॉर्म फिल करते टाइम, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बात करते हैं सबसे पहले कोर्स की, जो कि है ग्रेजुएशन कोर्स, यानी कि यूजी कोर्स, जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट है 4th of July। आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसके लिए आप अप्लाई करिए। आपका मेरिट बेस आपका एडमिशन होगा, और मेरिट में अगर आपका नंबर आता है तो उस कॉलेज में जाकर के आप एडमिशन ले लीजिए। तो ये इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप NC वेब के थ्रू भी कर सकते हैं, नॉन कॉलेज ऑफ वुमेन एजुकेशन बोर्ड के थ्रू भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ये डिस्टेंस कोर्स होता है, इसमें आपको रेगुलर जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन रेगुलर कॉलेजेस में ही आपको पढ़ाया जाता है। अगर आप मान लीजिए किसी वजह से आपकी परसेंटेज कम है तो आप SOL ओपन लर्निंग स्कूल से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप इग्नू के थ्रू भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी ग्रेजुएशन की। बात करते हैं अपने दूसरे कोर्स की। दूसरा कोर्स है आपका जर्नलिज्म का कोर्स। जर्नलिज्म का जो कोर्स होता है वो आपका 5 साल का कोर्स होता है, एंट्रेंस बेस्ड कोर्स होता है। ये भी आप DU के थ्रू कर सकते हैं। DU में जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, जब आप DU में फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको एक ऑप्शन आएगा जो कि है एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम का, तो वहाँ पर आप जर्नलिज्म का कोर्स चूज़ कर सकते हैं अगर आप जर्नलिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं तो। ये आपका दूसरा कोर्स है। बात कर लेते हैं अपने तीसरे कोर्स के बारे में। तीसरा कोर्स जैसे कि BBA, BCA, BBE या फिर BBS। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि BBA, BCA या फिर BBE या BBS हम कैसे कर सकते हैं, हम तो आर्ट स्ट्रीम के हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप सब भी ये कोर्स कर सकते हैं। बहुत कॉलेजेस हैं जो कि 60+ मार्क्स मांगते हैं, सबके अलग अलग क्राइटेरिया है। 60+ परसेंटेज और 60+ मार्क्स इन इंग्लिश, वो उनका क्राइटेरिया होता है। हर कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया है। IP यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन IP यूनिवर्सिटी में कई सारी जगह पर ये मैथ्स को कंपलसरी मांगा जाता है कि आपके पास मैथ्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद बात आती है चौथे कोर्स की। चौथा कोर्स है आपका होटल मैनेजमेंट का कोर्स। होटल मैनेजमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप दो जगह से होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक है आपका NCHM और दूसरा है IP यूनिवर्सिटी। अगर आप NCHM यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट के थ्रू को करना चाहते हैं तो आपको NCHM का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और आपके उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी रैंक आई है, उस बेसिस पे आपको कॉलेज प्रोवाइड कराता है NCHM। NCHM के जो कॉलेज हैं दिल्ली में वो कॉलेज बहुत कम हैं, और IP यूनिवर्सिटी के थ्रू आप अगर होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। दूसरी जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, अगर आप मान लीजिए कि आपने NCHM के थ्रू या IP यूनिवर्सिटी के थ्रू फॉर्म फिल नहीं करा है, तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट दिल्ली में ऐसे रन हो रहे हैं जो कि आपको होटल मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट देते हैं, होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए कोर्सेज के सर्टिफिकेट देते हैं। तो आप वहाँ पर भी डायरेक्ट जा करके उनके एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम पर बैठ करके आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था आपका चौथा कोर्स। अब बात कर लेते हैं पाँचवें कोर्स की, जो कि है फैशन डिज़ाइनिंग का। फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में मैं आपको बता दूँ कि फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं कराती है। तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं कराती तो कौन कराता है? तो NIFT के थ्रू आप ये कोर्स कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं BDS। तो BDES कोर्स जो है, यानी कि आप फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स है वो आप कर सकते हैं NIFT के थ्रू। DU ये कोर्स बिल्कुल भी नहीं कराता। बात कर लेते हैं छठे कोर्स की, जो कि रिलेटेड है नर्सिंग से। नर्सिंग कई सारे कंफ्यूज रहते हैं कि ये तो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके रैंक के थ्रू आप अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर के नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स कोई भी कर सकता है, आर्ट स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स भी ये कोर्स कर सकते हैं। बात करते हैं अपने 7th नंबर कोर्स की, जो कि है अगर आप पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो कॉलेज ऑफ आर्ट में एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम में बैठ करके, या मेरिट पे आपका यहाँ पर नंबर आ सकता है, आपको फॉर्म फिल करना होगा, कॉलेज ऑफ आर्ट में आप एडमिशन लेकर के आगे परस्यू कर सकते हैं इस कोर्स में।
बात कर लेते हैं अपने कोर्स नंबर 8 की। कोर्स नंबर 8 जो कि DU प्रोवाइड कराता है, लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं बहुत सारे लैंग्वेजेस, जो कि आप स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, और इस तरीके की आप जैपनीज लैंग्वेज हो गई, ये लैंग्वेज कोर्सेज से भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ ये लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो कई सारे DU के कॉलेज हैं जो कि ये सारी आपको लैंग्वेजेस प्रोवाइड कराते हैं। आप वहाँ से उस जब आपका एडमिशन हो रहा है तो उस टाइम पे आप, जैसे कि रामजस है, रामजस में हम फ्रेंच सीख सकते हैं, जर्मन सीख सकते हैं, इटालियन सीख सकते हैं या स्पेनिश सीख सकते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज कोर्स में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप ये सब भी कर सकते हैं। बात कर लेते, अब बात करते हैं अपने 9th कोर्स की जो कि है टीचिंग से रिलेटेड। जैसे कि हम भी टीचिंग प्रोफेशन से ही हैं, तो टीचिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, आफ्टर 12th आप कर सकते हैं BLED या फिर DLED। BLED का मतलब क्या होता है? बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको बहुत सारे लोग डाइट के नाम से जानते हैं, और बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये कोर्स है 4 साल का। ये 4 साल का कोर्स आप कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम में आपको बैठना होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन कॉलेजेस ही करवाती है, यानी सिर्फ वुमेन्स के लिए ही ये कोर्स है। 4 साल के कोर्स में आपको ग्रेजुएशन प्लस टीचिंग डिग्री मिलती है, डिप्लोमा मिलता है। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है जो टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं DLED की। DLED आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए फॉर्म निकलने की डेट अभी आएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वेबसाइट पर जाकर के आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं 2020 के लिए। ये 2 साल का कोर्स होता है। ये प्राइमरी टीचर्स के लिए आपको डिप्लोमा प्रोवाइड कराता है, और इसके बाद आपको CTET करना होता है, फिर आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है आपको वो SCRT करवाता है। तो SCRT के थ्रू आपका DLED होता है और आपका BLED DU के थ्रू होता है। तो ये थे आपके 9 कोर्सेज जिसके बारे में हमने अभी बात करी। बात कर लेते हैं अपने 10वें कोर्स के बारे में, तो वो रिलेटेड है BMS से। BMS मतलब बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़। अगर आप मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए कुछ मतलब आगे इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, IT सेक्टर में करियर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया BBA, BCA, BB और BBS, तो इससे रिलेटेड आप शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ कॉमर्स से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें भी एंट्रेंस बेस्ड आपको एडमिशन होगा। उसमें भी जो मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया उनका, कि आपके 60 प्लस मार्क्स होने चाहिए, आपके पास एक लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, और उसमें आपके 60 अबव मार्क्स होने चाहिए। तो ये तो हो गए आपके 10 कोर्सेज, टॉप 10 कोर्सेज जो कि आप आगे कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, एक आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, एक आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंशनड हो, ठीक है। दूसरा, क्योंकि आपने देखा ही होगा फॉर्म फिल करते टाइम वहाँ पे लिखा हुआ रहा है कि 12th क्लास का रिजल्ट अभी आपका अवेटेड है, रिजल्ट अभी नहीं आया है। लेकिन अगर आप डाइट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर डोमिसाइल भी लगेगा, तो आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल होना चाहिए, क्योंकि आपकी 80% सीटें जो है वो रिजर्व हो जाएंगी दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए ही। तो आपके पास दिल्ली का एक डोमिसाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, ST, SC, OBC किसी भी कैटेगरी से हैं, तो फिर आप उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। अगर वो सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हुआ है तो भी चलेगा। इस बार जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें उन्होंने बोला है कि आप पुराना सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक की वजह से अभी आप अपडेट नहीं करा पाए हैं, तो वो बाद में अपडेट हो जाएगा। एक और बात आपको यहाँ पर बता दें कि अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, यानी कि ECA, जैसे कि आपका NCC हो गया या फिर आपका स्काउट हो गया, इसके थ्रू अगर आप 12th से पहले अगर आपने या 12th तक आपने अगर स्काउट में या NCC में पार्टिसिपेट किया था, तो उसका सर्टिफिकेट लगाना ना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी फॉर्म फिल करते टाइम 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। ईमेल आईडी जो आप वहाँ पर रजिस्टर करा रहे हैं वो ईमेल आईडी आपकी चलती रहे, ऐसा ना हो कि बाद में बंद हो जाए, ठीक है। दूसरा, जो आप मोबाइल नंबर वहाँ पर रजिस्टर करवा रहे हैं वो ऐसा मोबाइल नंबर हो कि अगर भविष्य में वो मोबाइल नंबर खो भी जाता है तो भी आप उसे निकलवा पाएँ। ये 2-3 चीज़ें आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिल करते टाइम बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। तीसरी चीज़, आप वहाँ पर ये ज़रूर, जब आप डेट, आप जब लिख रहे हैं फादर्स नेम, मदर्स नेम और अपना नाम, तो जो आपके 12th की मार्कशीट पे, अभी तो मार्कशीट आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आपके 12th के रोल नंबर पे जो नाम लिखे हुए हैं बिल्कुल एज इट इज़ वही आपकी स्पेलिंग होनी चाहिए। स्पेलिंग एरर बिल्कुल भी मत करिएगा। बच्चे ये छोटी छोटी गलती कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है, तो कृपया करके ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत करिएगा।
तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी, तो आप ध्यान से फॉर्म फिल करिएगा। अगर आप इन 10 कोर्सेज में से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो उनके फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल करके ही बैठ जाएं और उसके अलावा किसी भी चीज़ का फॉर्म फिल ना करें। अगर आपको टीचिंग कोर्स का इंटरेस्ट है तो टीचिंग के भी फॉर्म फिल करके रखें। होटल मैनेजमेंट का कोर्स का इंटरेस्टेड अगर आप हैं तो उसका भी फॉर्म फिल करें। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उसका भी फॉर्म फिल करें, क्योंकि आपके पास बाद में चॉइस होगी कि आपको किस लाइन में जाना है। अगर मान लीजिए सिर्फ आपने ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल कर दिया और मेरिट बेस्ड आपका नंबर नहीं आया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से फॉर्म फिल करिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।